टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस जिया शंकर इन दिनों देश की कॉन्ट्रोवर्शियल शो में से एक बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। शो में जिया एंट्री लेने के साथ ही लाइमलाइट भी बनी हुई हैं। शो में इस डिंपल गर्ल की खूबसूरती पर फैंस फिदा हो रहे हैं, तो वहीं अविनाश सचदेव के साथ भी उनकी अच्छी खासी पटती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच अब जिया अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में भी है। जिया ने अपनी लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर की हैं जो काफी हैरान कर देने वाली हैं, जिसमें से एक किस्सा तो मोलिस्ट्रेशन का है। आपको भी बताते हैं जिया से जुड़ी चार अनसुनी बातें। पहली बात, फैमिली डॉक्टर ने की गंदी हरकत। जिया ने पिंकविला से बातचीत में अपनी लाइफ से जुड़ा ये हैरान कर देने वाला किस्सा शेयर किया। जिया ने बताया कि जब वो 10वीं कक्षा में थी तब उनके साथ उनके फैमिली डॉक्टर ने छेड़छाड़ की थी। जिया ने इस गंदे अनुभव के बारे में बताते हुए कहा, मैं 10वीं कक्षा में थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं अकेली अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई। उस समय मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे मम्मी पापा अलग हो गए हैं। इसके बाद डॉक्टर ने मेरा फायदा उठाया। उस डॉक्टर ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मेरा उत्पीड़न किया। ये अनुभव मेरे लिए सबसे गंदा अनुभव था। दूसरी बात, बचपन में ही अलग हो गए थे माता पिता। जिया ने इंटरव्यू में बताया कि उनके माता पिता का तलाक उनके बचपन में ही हो गया था। उनकी मां ने ही उन्हें अकेले पाला। जिया ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि मेरी मम्मी पापा अलग हो गए थे। इसके बाद मेरी मां ने सिंगल मदर के रूप में मेरी परवरिश की। मां को एक सिंगल मदर के रूप में काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ी। हम लोगों को कोई भी किराए पर घर नहीं देता था। इसके अलावा मेरे पापा ने कभी हम लोगों को एक रुपया तक नहीं दिया। तीसरी बात, नहीं मिला परिवार का सपोर्ट। जिया ने बताया कि वो बचपन से बहुत नर्वस और शर्माती थी। उनके परिवार की तरफ से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला जो एक बच्चे को अपने परिवार से मिलता है। जिया कहती हैं, मैं जब छोटी थी तो हमेशा काफी शर्माती थी। मैं इतना शर्माती थी कि मेरी पूरी फैमिली मुझे ताने मारा करती थी। फैमिली वालों ने इतने ताने मारे कि मेरे अंदर से आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया। इसके अलावा मैं पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी, सिर्फ माँ की बदौलत मैं एक्ट्रेस बन पाई। और चौथी बात, ऐसे शुरू किया एक्टिंग का सफर। मुंबई में जन्मी और पली बढ़ी जिया का बचपन से ही अभिनय में करियर बनाने का सपना था, लेकिन शर्मीले स्वभाव के कारण उन्हें अपनी प्रतिभा पर भरोसा नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां के सपोर्ट से टेलीविजन शो और फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। वहीं कई टेलीविजन शो में कैमियो रोल में नजर आई। उन्हें पहली बार 2013 में तेलुगु फिल्म में नोटिस किया गया। इसके बाद उन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। जिया ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना डेब्यू 2015 में एमटीवी चैनल के शो लव बाय चांस से किया था। इसके बाद वो गुमराह सीजन 4 और प्यार मैरिज शाह में भी नजर आई। जिया को टेलीविजन पर पहला बड़ा ब्रेक 2016 के टीवी शो क्वींस हैं हम से मिला, जिसमें वो तान्या टंडन के साथ दिखाई दी थी। जिया ने मेरी हानिकारक बीवी और कांटेलाल एंड सन्स में भी काम किया। वही पिशाचिनी शो से भी जिया को काफी फेम मिला। हालांकि अब जिया ने बिग बॉस ओटीटी 2 में कदम रखा है। इस शो में जिया कैसे टिकी रहेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी।